टाइम तो अभी देखते सी तालिबान इदा करते पर अभी सोच भी नहीं सकते कि पंजाब के रहने वाला कोई व्यक्ति या पंजाबी भी इस प्रकार कर सकता है। जो भी सजा देश के कानून के हिसाब न है जो साडा लॉ ऑफ लैंड कहता है सख्त तो सख्त सजा दोषियों को मिलनी चाहिए कोई बख्शिया नहीं जाना चाहिए। लखीमपुर से जो होया दुखद होया लेकिन उस दुखदाई घटना के अंदर भी राकेश टिकैत साहब का बयान आना कि जिहड़े बीजेपी के वर्करस नूं और ड्राइवर नूं भीड़ ने कुट कुट के मारता वो जस्टिफाइड है वो एक्शन का रिएक्शन है असीं मारन वाले नूं दोषी नहीं मानते। मानसिकता हिंसा नूं अगर असीं समर्थन दिंदे हां कोई भी बहाना बना के वायलेंस नूं जदों असीं जस्टिफाई करना शुरू कर दिंदे हां तो फिर इस तरह की हिंसा करने वाले लोग जड़े है पनपना शुरू हो जाते हैं किसी भी समाज उन्हों का हौसला भी वधदा है। देखो ना वीडियो चो किवें सैलीब्रेट कर रहे हैं उस हिंसा नूं पर माहौल तो शायद बीजेपी के उस फैसले करके हो गया कि अज आह दिन आ गए कि जो शांत पंजाब सीगा वह कितने कितने दुबारे लोगों के मन च रोह यह खड़ा होने लग गया भी वो डिसीजन किस तरह के लैन लग गए की माहौल बनाना शुरू करता सिख विरोधी है जी नरेंद्र मोदी क्या खेती कानून बनाए से किसी वर्ग लिए बने से। सत श्री अकाल जी डेली बॉस पंजाबी तुसी देख रहे हो सिंघू बॉर्डर ते सवेरे वापरी घटना तो बाद जे देखा जाए तो हर पासे अलग अलग तरह दी रायवां आ रही ने गियां तो इसे दे विचाले एमरजेंसी मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे ने भी की उस तो बाद एक प्रैस बयान जारी किया गया है जिदे विच तमाम जथेबंदी के आगू तो उन्होंने वालों स्पष्ट किया गया कि चाहे निहंग सिंह जथेबंदियां ने गियां तो चाहे वह मरन वाला शख्स सीगा कि उहदी इक तां निंदा करदे आ ते पुलिस दा असीं साथ देवांगे पर साडे नाल दोहे धिरां दा कोई लेना देना नहीं हैगा। सुभाष जी हैगे ने कि भाजपा तो सीनियर आगू उहनां नाल गल कर लैंदे आ कि सुभाष जी देखिया जावे जिस तरह की घटना हुई पहलां तां बाद च गल करांगे कि आखिर किसान मोर्चा की कहिंदा ते किस तरह दा होया सी घटना देखी तुसीं वीडियो दा पता लग्गिया किस तरह दा सी ते की तुहाडा पहला रिएक्शन। देखो वीडियो तां देखी नहीं जा सकदी उह दिल दहला देण वाली है और जिस प्रकार लोग उत्थे खड़े ने जिस प्रकार उदी मौत नूं सैलीब्रेट किया जा रहा अगर मैं कहां अफगानिस्तान च असीं देखते सी तालिबान इदां करदे आ पर असीं सोच भी नहीं सकते कि पंजाब दे रहने वाला कोई व्यक्ति या पंजाबी भी इस प्रकार कर सकता है। मतलब शर्म भी आती है और दुख भी है बहुत ही दर्दनाक है बहुत ही शर्मनाक है बहुत ही निंदन योग है और जिन्नी इहदी निंदा कीती जावे उन्नी घट है। जो भी सज़ा देश के कानून के हिसाब न है जो साडा लॉ ऑफ लैंड कहता है सख्त तो सख्त सज़ा दोषियों को मिलनी चाहिए कोई बख्शिया नहीं जाना चाहिए। ये सुभाष जी जिस तरह की जे कही कि संयुक्त किसान मोर्चे की भी मीटिंग हुई है हूँ तो कुछ घंटे पहला जे कही तो वह कितने ना कि स्पष्ट किया गया कि ना साडा निहंग सिंह जथेबंदी का ना कोई लेना देना ना ही मृतक का। हाँ ये जी घटना हुई है उसकी निंदा भी की है तो यह भी कहा कि असं पुलिस प्रशासन का साथ देंगे यानी कि बिच कोई उड़िंगा नहीं बनाएंगे यह साफ तौर पर स्पष्ट कराया क्योंकि किसान मोर्चे की गल इस करके हो जाती है क्योंकि सिंघू तो जब यह हुई है घटना तो लोगों को कितना कितने सीधे तौर पर होया कि उत्थे घटना हुई है तो क्यों हुई है। देखो ये तो हम घटना की जाँच होएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि घटना क्यों हुई क्यों वापरी उसके पीछे की कारण सी कौन लोग जिम्मेदार है मैं ये बारे कोई कमेंट नहीं करांगा सरकार उसकी जांच करेगी और सच तो सामने आएगा ही कि कौन लोग दोषी ने। लेकिन इतने मैं ज़्यादा गल सुमित जी चिंता इस गल की करनी चाहना है कि जी मानसिकता पनप रही है उस मानसिकता रोकने की लोड़ है। मानसिकता हिंसा को अगर असी समर्थन दें कोई भी बहाना बना के वायलेंस में जो असी जस्टिफाई करना शुरू कर दें तो फिर इस तरह की हिंसा करने वाले लोग जड़े है वो पनपना शुरू हो जाते हैं किसी भी समाज। पिछले कुछ महीनों जिस प्रकार पंजाब च हिंसा हो रही है हिंसा चाहे छोटे पद्धर की हो चाहे इस प्रकार की नृशंस हत्या हो हिंसा नूं कंडम करना ही बनता है। लेकिन मैं देखा कि पिछले कई महीनों तो लगातार चाहे वह किसान मोर्चे साढ़े लीडर साहबान भी क्यों ना हो बहुत बार हिंसा नूं जस्टिफाई करते दिखे बीजेपी के नेतावान पर कितने हमले हुए साडे एमएलए दे कपड़े फाड़ दिते उस हिंसा नूं किवें जस्टिफाई किया इन्होंने किवें उहदे अजीब अजीब तरह के तर्क बनाए। लखीमपुर च जो होया दुखद होया लेकिन उस दुखदाई घटना के अंदर भी राकेश टिकैत साहब का बयान आना कि जिहड़े बीजेपी के वर्करस नूं और ड्राइवर नूं भीड़ ने कुट कुट के मारता वह जस्टिफाइड है वह एक्शन का रिएक्शन है असीं मारन वाले नूं दोषी नहीं मानते तो मैं समझदा कि फिर ये जिहड़ी मानसिकता है इस मानसिकता के करके इस प्रकार दीआं हिंसा दीआं घटनावां हुंदीआं
और इस मानसिकता करके ही ऐसी हिंसा करने वाले लोगों को उत्साह भी मिलता है, उन्हों का हौसला भी बढ़ता है। तो देखो ना वीडियो चो किमें सैलीब्रेट कर रहे हैं उस हिंसा को, उस कतल को। और देखा जाए सुभाष जी जी गल तुम कही कि ठीक है हिंसा को तो कोई भी नहीं है गल कहता है, हर कोई निंदा करता इस चीज़ की, पर जिमें कि तुम बीजेपी लीडर के नाल जो कुछ पहला होया जिस तरह के घराव हुए नेगे वो सब तो वही गल एक भी कितना कितने जो कही कि ठीक है कानून रूप में सारिया चीज़ा गलत ने, पर तुम कितने कितने यही मानते कि बीजेपी के लिए फैसले आखिरकार यह स्थिति खड़ी कर गए कि ठीक है कानूनी तौर पर हिंसा किसी को नहीं करनी चाहिए हैगी, किसी इंसानियत तौर पर भी नहीं करनी चाहिए, पर माहौल तो शायद बीजेपी के उस फैसले करके हो गया कि अज आह दिन आ गए कि जो शांत पंजाब से वह कितने कितने दुबारे लोगों के मन च रोह यह खड़ा होने लग गया भी वो डिसीजन किस तरह के लैन लग गए। देखो सरकार का फैसला कानून सरकार बनाती है, बहुत लोग उसका समर्थन करते हैं, बहुत लोग उसका विरोध करते हैं, विरोध करने का भी एक तरीका है, समर्थन करने का भी एक तरीका है, लेकिन जो तुम विरोध करने के नाम पर हिंसा भड़कानी शुरू कर दो, नफरत फैलानी शुरू कर दो, तुम मैंने दसो कानून तो पूरे हिंदुस्तान लिए बने, क्या पंजाब लिए बने, पूरे हिंदुस्तान लिए बने ना, पूरे हिंदुस्तान के जोड़े किसान ने उस किन्ने परसेंट किसान पंजाब के ने, लेकिन माहौल की बनाता, नरेटिव की बनाता, पंजाब विरोधी बिल है जी, उस तो अगे जाके की माहौल बनाना शुरू करता, सिख विरोधी है जी नरेंद्र मोदी, क्या खेती कानून बनाए सी, ये किसी वर्ग लिए बने सी, हिंदुस्तान के किन्ने परसेंट किसान ने, इस करके ये जो नरेटिव बनाया गया है, जी हेटरड फैलाई जा रही है, ये जो वायलेंस नू जस्टिफाई किया जा रहा है किसानी कानूनों के विरोध के नाम से, ये किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है, इनू कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता, अगर कोई इनू जस्टिफाई करना चाहे तो मैं समझदा कि वो लोकतंत्र लई चंगा काम नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र लई तो स्वस्थ परंपरा नहीं, सरकारां बहुत कानून बनाएंगी, अगे भी बनाएंगी, मान लो कानून वापस हो जाएंगे और भी बहुत कानून बनेंगे, देश बहुत सारे कानून बनते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, लेकिन मतलब यह थोड़ा कि तुम ऐसा वातावरण बना दो कि वह हिंसा जस्टिफाई करनी शुरू कर दो, विरोध करने का भी एक तरीका है वो लोकतंत्र के दायरे च रह के ही करना चाहिए, अंदोलन लोकतंत्र के दायरे च रह के ही होने चाहिए है, ये गल का विचार सानू सबनू करना पैना एक सभ्य समाज होने के नाते कि जिस प्रकार का घटनाक्रम अज उत्थे होया है, इस प्रकार दियां घटनावां करन वाले मानसिकता वाले लोग किसी भी समाज नहीं पनपने चाहिए, बिल्कुल नहीं पनपने चाहिए, और सानू इस गल की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल चिंता होती है क्योंकि आखिरकार कितना कितने जदों का किसानी अंदोलन चलिया उदों दियां कई लीडर ने भी यह शंकावां खड़ियां कर रही सीगा, लाल सिंह की गल याद है कि आखिर उन्होंने कहा कि पंजाब का माहौल दुबारे खराब ना हो जाए इन स्थिति के, खैर खराब होना नहीं चाहिए क्योंकि बेशक अज जी घटना हुई है किसान मोर्चे ने भी यह गल कही है कि असी नाल नहीं है, साढ़े वो धिर दोनों अलग ने वक्रिया ने, पर असी किसी भी पुलिस कार्रवाई या प्रशासन के लड़ंगा नहीं बनाएंगे, पर बीजेपी के जे कही कि जिमें सुभाष जी ने गल कही है कि आखिरकार चिंता का विषय बनता कि आखिर लोग इस तरह के फैसले लैन क्यों लग गए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के उत्ते यकीन रखना चाहिए, चाहे गल लखीमपुर की घटना की सी चाहे उदू पहला पंजाब दे विच बीजेपी के लीडर के उत्ते हमले हुए, तो हुण आखिरकार आउंदे दिनां दे विच देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच होंदी है तो की कुछ जिहड़े तत्थ ने निकल के सामने आउंदे ने। सीनियर विजिलेंस कमल दे नाल समीत सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़। अफगानिस्तान